हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, आज मैं बहुत जरूरी अपडेट देने वाला हूँ। जैसे कि मुझे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि भैया कौन सा फ़ोन लें, या सर कौन सा फ़ोन लें, या फ्रेंड कौन सा फ़ोन लें, वगैरह वगैरह। तो अभी मैं यही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि आप अभी कोई मत फ़ोन लो। मैं आपको रिक्वायरमेंट यही कहता हूँ कि अभी आप प्रेजेंट टाइम सिर्फ 2 महीने रुक जाओ, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना। फरवरी में काफ़ी फ़ोन, जनवरी की 30 में काफ़ी फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। मैं बता देता हूँ, M10 आने वाला है, M20 आने वाला है, M13 आने वाला है सैमसंग का। M सीरीज़ नहीं आने वाली है, जिसमें जो सैमसंग ने काम किया हुआ है, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से काम किया हुआ है। जैसे कि कैमरे के ऊपर बैटरी पैकअप खासकर इसका बहुत खास आने वाला क्या है, सुनने में आ रहा है कि इसकी बैटरी 5000 mAh की इसकी बैटरी आने वाली है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा औसम जाने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और शायद टाइप सी में आने वाले हैं, मतलब कि जो फास्ट चार्जर होते हैं उसमें ही आने वाले हैं। तो इनका प्राइस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 12000 से लेके ये 30-35000 के बीच में आने वाले हैं। मतलब कि जो M10 है वो 12 या 15 हज़ार का होगा, ठीक है। उसके बाद M20 आएगा, वो 24 से 20 हज़ार के आसपास होगा। मतलब कि मिड रेंज भी आने वाला, मतलब कि एम सीरीज़ में 3-4 फ़ोन इकट्ठे ही आने वाले हैं, और ये 30 जनवरी को शायद लॉन्च करने वाले हैं, तो जहाँ तक मैंने नेट पे सर्च मारा है। ठीक है, तो अभी मेरी यही सलाह रहेगी कि अभी आप कोई भी फ़ोन मत लो। स्पेशल यही है कि अगर आप लेने वाले तो रुक जाओ। तो अगर आप वीवो कंपनी में लेते हो तो क्या कर सकते हैं, बट सैमसंग कंपनी ये फ़ोन निकालने वाली है, तो लगभग मेरे हिसाब से सारी कंपनियाँ फ़ोन निकालने वाली हैं। तो वेट कर लो, एम सीरीज़ देख लो सैमसंग की कैसी आने वाली है, पर मेरे हिसाब से बढ़िया एम सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि ये फ्लैगशिप फ़ोन आने वाले हैं जो कि कहर करने वाले हैं। तो सैमसंग इस बार नया कुछ करने वाली है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, नॉच भी मिलेगी आपको, और नॉच मिलेगी, बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, कैमरा अच्छा मिलेगा। ठीक है, कैमरा आपको जो मिलेगा वो नॉच के रूप में छोटा सा मिलेगा, ड्रॉप में। ठीक है, मैं फोटो दिखा देता हूँ, बट मैंने ये वीडियो एडिटिंग नहीं की, बस मैंने बाजू पकड़ी बेबी की, भुवन बाब की तरह, ये देख सकते हो बाजू में फ़ोन पकड़ा हुआ है, कोई ट्राईपॉड कुछ नहीं है, बस मैक लगाया ताकि आपको क्लियर सुने। और बस यही अपडेट देनी थी, क्योंकि ये बहुत मैसेज आ रहे थे मुझे। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि आपको कुछ थोड़ा वेट करके आपको फ़ोन ले लेना चाहिए। अगर ये फ़ोन आती है तो जनवरी या बाकी फ़ोनों के रेट भी गिरेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर 2 महीने रुक सकते हो तो रुक जाओ, तो अगर आप नहीं रुक सकते तो वीवो का V11 Pro सबसे बढ़िया है, ठीक है। ओप्पो का F9 Pro बढ़िया है, F9 Pro, ठीक है, और सैमसंग का A7 सबसे बढ़िया है, और दूसरे A9 भी बढ़िया है, बट A7 ज़्यादा सेल हुआ है, बढ़िया है A7, ठीक है। नोकिया में 8.1 Plus सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये 4 ब्रांड मैंने बता दिए जो ऑफलाइन मार्केट में है, जो कि सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऑनलाइन ब्रांड के बारे में मुझे पता नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो बाय फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं वीडियो की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ फ़ोनों की, जो कि लेटेस्ट आने वाले हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी लाइक कर देना। तो बाय फ्रेंड्स।